साल था 1947। भारत आजादी की चौखट पर कदम रख रहा था, मगर दर्द, आंसुओं, अपनों को खोने के गम और विभाजन की कभी न भूले जाने वाली पीड़ा के साथ। जब सब लोग हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो आखिर क्यों हुआ विभाजन? 1905 के बंगाल विभाजन का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समर्थन किया था, और जिन्ना की मुस्लिम लीग के लिए ऐसा ही समर्थन तो हौसला था। हालांकि कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया और अंग्रेजों को 1911 में घुटने टेक कर ये विभाजन वापस लेना पड़ा, मगर भाजपा के पूर्वजों के देश तोड़ने के इरादे अभी रुके नहीं थे। 1937 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनते ही सावरकर ने दो राष्ट्र के अपने इरादे यानी विभाजन के अपने कुटिल इरादे जाहिर कर दिए। उधर जिन्ना और मुस्लिम लीग तो हिंदुस्तान को तोड़ने की ताक में थे ही, और उनके विभाजन के सिद्धांत को सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे भाजपा के पूर्वजों का पुरजोर समर्थन भी मिल रहा था। 1943 में सावरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विभाजन वाली जिन्ना की मांग का समर्थन कर दिया। जिन्ना और सावरकर की जुगलबंदी को बयां करने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर का एक कथन काफी है। ये चाहे जितना विचित्र लगे, मिस्टर सावरकर और मिस्टर जिन्ना दो राष्ट्र के सवाल पर एक दूसरे का विरोध करने की जगह एक दूसरे से पूर्ण सहमति में है। इन सबके बीच ये याद रखना जरूरी है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब भाजपा के पूर्वज संघी मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे। अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये लोग देश को आजाद नहीं होने देते। अंत में जिन्ना, मुस्लिम लीग, सावरकर जैसों के कुटिल इरादे कामयाब हुए और 1947 में देश के दो टुकड़े हुए। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए, और हमारे हिस्से में आ गया अंतहीन दर्द। ये दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि आज सावरकर और जिन्ना की सोच वाले लोग सत्ता में बैठकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, विभाजन के दर्द का जश्न मना रहे हैं, उन घावों को वापस कुरेद रहे हैं ताकि इनकी सत्ता सुरक्षित रहे। इनसे हमें सावधान रहना होगा, कहीं इनका लक्ष्य भारत का एक और विभाजन तो नहीं। जय हिंद।